नमस्कार न्यूज आज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। एक स्त्री अपने जीवन में माँ, बहन, बेटी, पत्नी का किरदार बखूबी निभाती है, अपनों पर अपने आप को समर्पित कर देती है। ऐसी तमाम स्त्रियों के सम्मान में आज राजधानी भोपाल में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कभी ममता बनकर तो कभी ज्वाला बनकर तो कभी अन्नपूर्णा बनकर हर रूप में निखरी है महिला। अपने परिवार के खातिर जीने वाली महिला के आत्मसम्मान को जब जब ठेस पहुंची है, तब तब उसने दुर्गा का रूप धारण किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना आयोग में केवल महिलाओं के लिए बेंच लगाई गई और उन्हीं से जुड़ी अपीलों की सुनवाई की गई। तो पंचानन भवन में एमपी स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ ने गुलाबी शक्ति का प्रदर्शन किया। सभी महिलाओं के साथ पुरुष कर्मचारी भी महिला शक्ति के प्रति गुलाबी रंग के लिबास में दिखे। इसी के साथ ही कर्मचारियों ने महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा, उन्हें गुलाब और उपहार देकर सम्मानित किया। महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान की भावना हो, महिलाओं के प्रति इज्जत हो, महिलाओं का हम सब लोग आदर करें, इसी भावना से आज पंचानन भवन में समागम आयोजित किया गया है। और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की सभी महिलाओं को, दुनिया की सभी महिलाओं को आदर प्रणाम करते हैं। एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से सभी महिलाओं का आज आत्मसम्मान किया गया है, पिंक गुच्छ से और स्वल्पाहार का भी आयोजन किया है। आज के दिन सभी मातृशक्तियों को मेरी ओर से नमन और पुरुष समाज में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें इस लायक उन्होंने समझा और इस समाज में हमें सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजीव गांधी सभागार में मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा शुक्ला का सम्मान किया और इसके साथ ही पाल नगर कार्यकारिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आज।